जैद खालिद साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये रेप होता क्या है और क्यों होता है? क्या औरतें सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट हैं हमारे समाज में? अभी अभी एक निर्भया केस में, एक डॉक्यूमेंट्री में, उस निर्भया के रेपिस्ट ने बोला है कि अगर सड़क पे गोश्त रखोगे, सड़क पे मांस रखोगे तो कुत्ते उसे खाने के लिए आएंगे। क्या ये हमारे समाज में मर्दों की सोच है कि जहां औरत एक गोश्त की तरह है और मर्द एक कुत्ते की तरह है? तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इस्लाम का कौन सा एंगल है जो हमारी सोच को या हमारे समाज की सोच को बदलने में मददगार हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो हमें वो दर्द को महसूस करना होगा जो दर्द आम आवाम के सामने इस बार आया था निर्भया केस में, और जो इस तरह के केसेस जो डिपिक्ट हुए हैं और लोगों ने वो एहसास किया है इन अ वे, तो इसमें हम इनसेंसिटिव होकर कुछ बातें इस तरह की बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो हमें ये बात को पहले इसकी फीलिंग को समझना है, इसके अंदर जो जिंदगियां बर्बाद हुई है और कई सारी हम देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर NCERB की रिपोर्ट के मुताबिक 33,707 केसेस एक साल में रिपोर्ट हुए थे 2013 में, और सरप्राइजिंगली उसके अंदर निर्भया केस नहीं है। मतलब निर्भया टाइप के केसेस नहीं होते, क्योंकि प्राइमरी ऑफेंस क्या है वो देखा जाता है। अगर प्राइमरी ऑफेंस मर्डर है तो वो रेप की स्टैटिस्टिक में ऐड भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। अब बहुत आसान है कि कोई कह दे कि इस वजह से उस वजह से, हम पहले कहेंगे वो फीलिंग को, एहसास को दिल में लाना, वो सारे लोगों के साथ में सिंपथाइज करना, उनकी फीलिंग्स को, उनके दर्द को महसूस करना, उसके बाद ही आगे की बात हो सकती है। उस फीलिंग को फील करने के बाद अब हम अपने पूरे एक सिस्टम को देखते हैं कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है, किस तरह से हम ऐसे केसेस को होने से रोक सकते हैं, किस तरह से हम सब सोल्यूशन बन सकते हैं। तो हम ये देखें कि ये जो एक मिसाल बहुत ब्लेटेंट अल्फाज में इसने कहा है, आदमी ने, वो अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने ट्रांसग्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम ने तो ये सिखाया कि कोई शख्स मालदार है, उसका माल अगर अवेलेबल भी है, सामने भी है, तो भी एक इंसान जिसका हक नहीं है वो उसको नहीं ले सकता, और चोर को चोरी करने का कोई राइट नहीं है। अगर कोई अमीर अपने पैसे को छोड़ के भी चला जाए तो भी चोर को चोरी करने का कोई हक नहीं है। तो चोर अपने चोरी को जस्टिफाई नहीं कर सकता ये कहकर कि वो पैसे ऐसे छोड़ के गए थे, इसलिए मैंने चोरी कर ली। बहुत 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 जैद भाई, बहुत अच्छी बात आपने की।